मैराथन 2022 का आयोजन जो है आईआईटी आईएसएम में किया जा रहा है और ग्रैंड फिनाले की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। देश के विभिन्न कोनों से आईआईटियंस धनबाद आए हुए हैं और खासकर हम अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें कई टीमें भाग ले रही हैं जो विभिन्न आईडियो पे काम कर रही है। खासकर हम दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे कि किस तरह से जो छात्र हैं, जो आईआईटियंस हैं, विभिन्न आईआईटी से धनबाद पहुंचे हुए आईआईटी आईएसएम में, और ये लगातार आईडियोज़ पे काम कर रहे हैं और खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो इस आइडियो को सेलेक्ट करेगी। इसमें से जो बेटर आइडियाज़ होंगी उसको देश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जिस तरह से भारत में स्मार्ट इंडिया को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है उसी के तहत जो है इस तरह के आइडियाज़ पे आईआईटियंस भी काम कर रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? हम लोग तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से? हाँ। किस आइडिया पे काम कर रहे हैं? हमने ये आइडिया चूज़ किया था कि यहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ एंड लेबर्स होते हैं, वो काम करते हैं, चलो कोई काम में दिक्कत आ जाती है या ट्रबल आ जाता है ना, तो अब वो काम पे जाके कंप्लेन करेंगे। तो हमने सोचा कि ऐसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम जब वेबसाइट बना लेते हैं तो उनको लेटर में पोस्ट ऑफिस या द्वारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वो लोग सब सिर्फ हमारे वेबसाइट में आके रजिस्टर करके कंप्लेंट रेज करना है, अकॉर्डिंगली वो जितना इम्पोर्टेंट कंप्लेंट है वो उतना हायर जाएगा। तो या ये मान सकते हैं कि उस पर क्विक एक्शन होगी? वो तो एडमिन के ऊपर डिपेंड होता है, हमारा काम है कि कंप्लेंट उनको जाके देना होगा। अब एडमिन जो वो लोग सॉल्व करेंगे ना वो उनके ऊपर डिपेंड होगा, अगर उन्होंने जल्दी सॉल्व कर दिया तो एम्प्लॉय का फ़ायदा। ये मसला क्या है ना कि जब कंप्लेंट रेज होता है वो कंप्लेंट बराबर रिसीव नहीं होता है गवर्नमेंट के पास। हमने ऐसा डिवाइस में टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जब वो कंप्लेंट रेज करता है ना टू मिनट्स के अंदर ही वो उसे एडमिन के पास कंप्लेंट रिसीव हो जाएगा, गवर्नमेंट को कंप्लेंट पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉय ने ये कंप्लेंट रेज किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, खासकर जो देश में जो रोज़गार कर रहे हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। कई बार सही समय पे और सही जगह पे शिकायत नहीं पहुँच जाती तो हो सकता है इस आइडियाज़ से तुरंत जो है कार्रवाई भी हो। आप कहाँ से आई हैं? फ्रॉम चेन्नई। विच आइडियाज़ यू? Government of labor and employment, so it's about complaint redressal. What's benefit? So employees who are facing problems in their company, they can come to our platform and raise a complaint in our platform. So that's the basic idea is about. बिल्कुल, कई यहाँ पे हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं, चेन्नई से आए हुए हैं और लगातार ये आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं और ख़ासकर जिस तरह से हमने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेगी, इसमें से जो बेटर आइडिया होंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बंगाल से आए। बंगाल से, किस आइडिया पे काम कर रही हैं? हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं लेबर साइट का बेसिकली, तो उन लोग का जो साइट है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज पे अवेलेबल नहीं है, तो उसी बेस पे हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि नेटिव लैंग्वेजेस में भी वो अवेलेबल रहे, ये और कुछ और सम फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जितने लोग भी हैं सारे लोग जो है खासकर एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी काम हो रहा है और देखना है कि बहरहाल 36 घंटे के बाद जो परिणाम आएगा वो क्या कुछ आता है परिणाम और इसमें से किस आइडिया को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्स जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।